याद रहे तो सुन कर जा तो। ये क्या है? घोड़ी है। घोड़ी नहीं बाबा घड़ी। घोड़ी घड़ी 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 ना देखा गुरु बाबा हो बाबा गुरु कुछ बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, हमारे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खुदा की ज़ात पाक ने बड़ी बड़ी प्यारी आवाज़ें अता फरमाईं और जिन्होंने इस बरे सगीर पे राज किया, जिनमें मैडम नूर जहाँ भी थी और मेहंदी हसन साहब थे और गज़ल गाने वाले बहुत से अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी प्यारी गज़लें गाई, तराने गाए लोगों ने, और इस इंडस्ट्री पे जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया उन आवाज़ों ने, और उनमें एक ऐसी आवाज़ थी जो कि सीधी दिल के अंदर उतर जाती थी और उनका नाम था नईरा नूर साहिबा। बड़ा प्यारा अपना ज़िंदगी का लाइफ का जो पीरियड था वो हमारी आंखों के सामने गुजारा, और शुरू में जब हम छोटे थे तब वो गाती थी टेलीविज़न पे, अक्सर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था तो वो उस पे आती थी, और वो इतनी वो कमज़ोर थी कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था तो वो बैठ के गाती थी। फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की भी करती गई और उम्र में भी जब बढ़ती गई तो फिर उन्होंने अपना इलाज करवाया और अल्लाह का शुक्र है फिर बाद में उन्होंने ज़िंदगी बड़ी प्यारी गुजारी और खड़े होकर गाया और बड़ा खूबसूरत गाया, और उन्होंने शादी भी की और सारा कुछ जितना भी उनका ज़िंदगी का हाल हवाल है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नईरा नूर की जो पैदाइश है वो 3 नवंबर 1950 में असम एक इलाका है हिंदुस्तान का, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई और इनका ताल्लुक़ जो था वो ताजर बरादरी से था। इनके जो वालिद साहब थे वो एक बड़े मशहूर ताजर थे उस ज़माने के, और उनके जो वालिद साहब थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो थे वो बड़े सरगर्म रुकन थे, और जब 1947 से पहले असम के सफ़र के दौरान जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की उन्होंने बहुत खिदमत की और उनको जराना दिया और तहफ भी दिए। 1958 में जो नईरा नूर साहिबा थी वो अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ वो कराची में आके आबाद हो गई हिंदुस्तान से हिजरत करके जब वो आए, और उनके जो वालिद साहब थे वो असम में ही रह गए क्योंकि उनकी जायदाद वगैरह वहीं पे थी। फिर 1993 में वो पाकिस्तान में आए उनके जो वालिद थे। और व्यूअर्स, इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर एक थे इसरार अहमद साहब, उन्होंने इनको दरियाफ्त किया कह लें कि उनको देखा कि ये इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए इनको कहा कि आप गाना गाएं। उसके बाद फिर उन्होंने टेलीविज़न पर भी गाना शुरू कर दिया और जो ड्रामों के पीछे जो आवाज़ें आती हैं गाने की वो भी उन्होंने साथ साथ वो गाने शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको लोग जानने लगे और फिर वो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रख दिया। और जो उनकी मशहूर फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, उसमें एक फ़िल्म घराना थी उसमें बड़ा प्यारा उन्होंने गाना गाया, और फिर एक फ़िल्म थी मस्ताना उसमें भी उन्होंने बड़ा प्यारा गाना गाया, फिर उसके बाद एक फ़िल्म थी आईना, आईना के गाने बहुत मशहूर हुए और समझ लें कि ये उनके बूम पीरियड था जब वो ये मौसीकी दे रही थी, बहुत ज़बरदस्त उनके गाने वो जो थे। और व्यूअर्स, उन्होंने बड़े बड़े प्यारे तराने भी रिकॉर्ड करवाए, कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने पंजाबी भी गाने बड़े बड़े प्यारे गाए। चन चन पैर बज दे, चन चन पैर बज दे।
रज दे तेनु तक तक तेनु तक तक नैन ने रज दे छन छन पैर वज दे छन छन पैर वज दे। और 93 में अगर जिक्र किया जाए तो उनकी एक फिल्म थी फर्ज और ममता, उसमें एक बड़ा प्यारा तराना उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। पर चमके सारे तले हम एक हैं। और उसके बाद एक इतना ज़बरदस्त जो तराना था वो जो आज भी लोगों को बच्चों को भी याद है कि वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रह। एक फिल्म थी पर्दे में रहने दो जो कि बड़ी मशहूर है, माजी के ज़माने की फिल्म है। और उसके बाद एक फिल्म थी उमंग, तो ये दो फिल्मों में भी उन्होंने बड़ा प्यारा जो गाना रिकॉर्ड करवाया। और उस उसके बाद व्यूअर्स 80 की दहाई में जब देखा उन्होंने कि अब मेरा काम जो उर्दू फिल्मों का काम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो समझ लें कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट हासिल कर ली। और शहरयार जैदी साहब हैं जो एक टेलीविज़न के आर्टिस्ट हैं और बड़े ही वो खूबसूरत काम करने वाले हैं, बड़ा नेचुरल काम करते हैं और मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनके ड्रामे देखते हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो उनसे उन्होंने शादी कर ली जिसमें से उनके दो बेटे भी हुए। और माशाल्लाह से वो भी अपनी माँ की तरह जो मौसीकी से ताल्लुक़ है उनका। और उसके बाद फिर ज़िंदगी चलती रही और 20 अगस्त 2022 को उनका क़ज़ाए इलाही से वो वफात पा गई और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। और बड़ी प्यारी उनकी आवाज़ थी और जो आज भी गानों की सूरत में और गज़लों की सूरत में और तरानों की सूरत में हमारे कानों में आती है और बड़ा प्यारा महसूस होता है। और व्यूअर्स वो इतनी प्यारी सिंगर थी हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी और इस मुल्क की, वो समझ लें वो मुल्क का असासा थी। तो वो हमसे जुदा हो गई और खुदा की ज़ात पाक उनको साथ साथ जनते अता फरमाए। और बड़े प्यारे उन्होंने लोगों के दिलों को खुश किया और हमें और आपको सबको महसूस किया। और व्यूअर्स उनकी जो ज़िंदगी पे थोड़ी सी रोशनी डालनी थी वो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और आप प्लीज़ इनको लाइक भी करें और शेयर भी किया करें मेरे चैनल को और सारा चैनल वॉच किया करें। जो आपने नई भी अदाकारों को देखा और या सुना वो सब कुछ उसमें आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जले तो जलाओ गोरी पीत का।